नहीं, उस समय कांग्रेस आतंकवाद थी, अभी कांग्रेस का वर्चस्व है, तो दोनों लड़ाई में अंतर है। उस समय कांग्रेस के डर से कोई बीजेपी का झंडा नहीं बांधते थे, आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ ठीक है, मनी पावर में कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, लेकिन हम लोगों ने तो हमेशा आंदोलन किया, व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो उसके खिलाफ लड़ा, चाहे वो कांग्रेस आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे आर्थिक उग्रवादी हो, तो कोई दिक्कत नहीं लड़ने में। झारखंड में कहें कि आईएएस अफसर जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, मतलब जो दमन के मामले बता रहे थे, तो क्या देखते हैं उसको, किस रूप में राजनीतिक जगह काम करते नहीं? इसके लिए पॉलिटिकल वर्कर को राज बनने के बाद लोग इतने आपाधाबी में, कुर्सी के लालच में इतना आपाधाबी करने लगे। अब जब कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता किसी ब्यूरोक्रेट के ज्वाइनिंग में बूके लेके जाएगा स्वागत करने के लिए, तो ब्यूरोक्रेट का दिमाग ख़राब होगा ही। ब्यूरोक्रेट को फेयरवेल पार्टी देना चाहिए, ये परंपरा अच्छी रहती है कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई एसडीओ अच्छा काम करके जब जाने का समय आए तो उसको अच्छा खिलाना चाहिए, उसको शाबाशी करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन आजकल बिना सोचे समझे जिस दिन लोग ज्वाइन किया, जिस दिन वो पदभार ग्रहण करते हैं, उसी दिन जब फूल का माला लेकर और बूके लेकर वो भी राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचने लगेगा, तो राजनीतिक स्तर इसी से गिरता गया जिसके कारण ये हावी होते गए। झारखंड की राजनीति में पूजा सिंगल अधिक, यहाँ एक पूजा नहीं है, कई एक पूजा हैं। अब ज़रूरत है कि राजनीतिक लीडर को मानसिक रूप से इतना स्वस्थ और परिपक्व होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। 17 तारीख को मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ रांची में, और उस कार्यक्रम में अध्यक्ष रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे, बाबूलाल मरांडी रहेंगे, 99% रघुवर दास भी रहेंगे, समीर उरांव रहेंगे, सुदर्शन भगत रहेंगे, 5-7 विधायक रहेंगे, 5-7 पूर्व विधायक रहेंगे, 2-4 पूर्व सांसद रहेंगे। ये सब की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहा हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।